लंदन में बहुत तरह की ब्रेड मिलती है। यहाँ का जो ब्रेकफास्ट स्टाइल है उसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के साथ ब्रेड खाई जाती है, लेकिन ब्रेड की वैरायटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा होती है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस पर रेट भी लिखा है, आप रेट भी देख सकते हैं। रेस्टोरेंट्स के बाहर इस तरह की टेबल चेयर रखी होती हैं। यहाँ का मौसम क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए लोग बाग इन टेबल्स या चेयर्स पर बैठकर खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑफिस जाते हुए लोग यहीं पर बैठकर थोड़े से स्नैक ले लेते हैं और खाते हुए जाते हैं। आती बार भी ऑफिस से लोग बाग इसी तरह स्नैक लेते हैं और खाते हुए जाते हैं। यहाँ की ब्लैक टैक्सीज ना बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और यहाँ पर इस तरह की स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जो कि सदियों पुरानी हैं। इनको चेंज नहीं कराया गया है स्ट्रीट लाइट्स को, और इस तरह के साइन बोर्ड्स होते हैं, दिख रहा है ना आपको। ये मैं जा रही हूँ टूटिंग मार्केट, पैदल पैदल जा रही हूँ, सेंट्रल लंदन में रुकी हूँ और मुश्किल से 40 मिनट्स का रास्ता है टूटिंग मार्केट का। ये एक इंडियन मार्केट है जहाँ पर बहुत सारी हमें इंडियन चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट में जा रहे हैं स्नैक्स लेने के लिए। इस तरह की रोड्स हैं यहाँ पर, और जगह जगह ना इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। हर कॉर्नर पर आपको इस तरह के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ की रेड बस भी दिखाती हूँ, ये देखिए रेड बस बहुत ज़्यादा फेमस है। रेड बस के बिना लंदन अधूरा है। यहाँ पर भी कैफ़े है, मतलब यहाँ पर कैफ़ेज की भरमार है। ये देखिए रेड बस आके रुकी, लोग बाग उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर लेडीज़ को भी बस चलाते हुए देखा। और आपके पास बैंक कार्ड है, फॉरेक्स कार्ड है, उससे चल जाता है। आपको ओएस्टर कार्ड लेने की यहाँ पर नीड नहीं है। पहले कभी होता था लोग बाग ओएस्टर कार्ड बनवाते थे, अब यहाँ पर मैंने किसी भी बंदे को यहाँ पर ओएस्टर कार्ड का यूज़ करते हुए या बनवाते हुए नहीं देखा। बहुत महंगा पड़ता है और यूज़लेस है। तो अपने फॉरेक्स कार्ड से या अपने बैंक कार्ड को यूज़ करके आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं। और लंदन मेरे साथ घूमने में आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बज रहे हैं शाम के 4:30। इंडिया में क्या टाइम हो रहा है मुझे नहीं पता, आप बताइएगा नीचे कमेंट में कि वहाँ पर क्या टाइम हो रहा है। थोड़ा सा मैं दिखाती हुई चलती हूँ आपको, चलती जाती हूँ और आप देखते जाइए। जो चीज़ अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आगे से आपको वही दिखाऊंगी। अभी काफ़ी टाइम लंदन में रुकने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको काफ़ी कुछ दिखा सकती हूँ। यहाँ के कुत्ते देखे आपने, कितने शानदार डॉग्स हैं ना, बहुत ही प्यारे कुत्ते हैं और इतने ट्रेंड हैं। किसी को देखकर भौंकते नहीं, आवाज़ नहीं निकालते, रिएक्शन नहीं देते, अपने में मस्त रहते हैं। जानवरों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है, कमाल की। और अब यहाँ से हमें रोड क्रॉस करनी है, तो रोड क्रॉस करने के लिए ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है ना रेड कलर का, वो रेड है ना, जब ग्रीन हो जाएगा ना तब हमें ये रोड क्रॉस करनी है। ये दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए अब ग्रीन हो गया तो हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। उसके लिए ना यहाँ पर एक बटन लगा होता है, अगर आप उसको दबा देंगे ना तो वो थोड़ी देर में ग्रीन भी हो जाता है। यहाँ पर ज़ीरो एक्सीडेंट जोन है, यानी कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते ही नहीं। क्यों नहीं होते आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। आसमान देखिए ना कितना खूबसूरत है। रात को भी यहाँ बारिश आई थी और सुबह भी 3-4 घंटे बारिश आई थी, लेकिन अब बिल्कुल सूखी सड़कें हैं। रेस्टोरेंट्स के बाहर लोग बस खाना खा रहे हैं, और मैं आपको यहाँ की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, और इनके रेट्स भी आप देख सकते हैं। ये सब यूरोज़ में है रेट जो आप देख रहे हैं ना,
ये सब यूरोज में है, आप इनको जूम कर सकते हैं और देख सकते हैं। वाटरमेलन का साइज, ओ कमाल का वाटरमेलन है, इतना बड़ा वाटरमेलन कि इसकी बड़ी बड़ी फांके भी 3-3 किलो की होंगी। एप्पल्स की बहुत सारी वैरायटी है, इनके रेट्स आप जूम करके देखिएगा, यूरोज में रेट्स हैं। छोटा छोटा पाइनएप्पल, एक्चुअली ना यहाँ पर ये चीज़ें उगती नहीं है, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। लेमन का साइज़ देखिए, वाओ, 3 लेमन 1 यूरो का, यानी कि 100 रुपये के 3 लेमन। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर फल और सब्जियाँ कितनी महंगी हैं। पपीता 6 यूरो का एक, यानी कि 600 रुपये का एक पपीता। इंडिया में पपीते का क्या रेट है आप नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। केला 60 रुपये का एक केला है, दिल्ली में शायद 60 रुपये दर्जन भी मिल जाते होंगे केले। शकरकंदी है, शकरकंदी सस्ती है, 300 रुपये किलो। ये प्याज 700 रुपये किलो है, 700 रुपीज़ पर केजी। ये वाली प्याज 200 रुपये किलो है, ये शकरकंदी है, ये भी। आप जूम करके इनकी रेट देखिए, ये सस्ता है। कैबेज यहाँ पर, ये वाला कैबेज महंगा है, ये वाला कैबेज, सभी का रेट है यहाँ पर। जिंजर है 700 रुपये किलो और पोमीग्रेनेट है 200 रुपये किलो, यानी कि जिंजर महंगी है और पोमीग्रेनेट सस्ता है। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ अच्छी लग रही है बताते रहिए ताकि मैं आपको वही दिखाऊं। देखिए इस तरह से यहाँ पर रोड्स के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है। ये रेड बस आ गई है, लोग बग इसमें जा रहे हैं, बहुत ही ईजिली चढ़ते हैं, कोई धक्कम धक्की नहीं होती, आराम से जा रहे हैं। देखो ट्रॉली भी जा रही है, बच्चे की ट्रॉली भी आराम से बस के अंदर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे को प्रैम में ले जाना हो तो आप बस में आराम से ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो ये वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।